नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। किसानों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, चर्चा पर चर्चा हो रही है, लेकिन रास्ता कोई नहीं निकल रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार दखल दे दी है, तल्ख टिप्पणी कर दी है कि आखिर आप हाईवे को कैसे काबू कर सकते हैं, हाईवे को कैसे रोक सकते हैं, हाईवे पर कैसे आप रास्ते को बंद कर सकते हैं। ये शब्द मेरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के थे। अगली सुनवाई आने वाले 4 अक्टूबर को होने जा रही है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस किसान आंदोलन के खिलाफ लगातार बोलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे चेतावनी यहां पर दे दी गई है कि आंदोलन आखिर कब तक चलेगा, यह आंदोलन सीमित होना चाहिए, असीमित नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर खरी खरी सुनाई है, लेकिन इसका असर किसान नेताओं पर शायद नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं गए थे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह मसला कहां से शुरू हुआ? यह मसला शुरू हुआ दरअसल राजस्थान से। राजस्थान में एक महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी कर दी है कि आखिर किसान जो महापंचायती कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सरकार से बातचीत होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इसका हल होना चाहिए, लेकिन 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महापंचायतें हो रही हैं, किसान और जवानों के बीच झड़प हो रही है, कई किसानों की जान जा रही है, कई जगह उग्र प्रदर्शन भी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस दम घोटू आंदोलन पर सुप्रीम का हंटर अब चलता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले जरा समझिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, मैं कट टू कट आपको बता देती हूँ। हाईवे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कोर्ट की शरण में आने के बाद उस पर विचार विमर्श करें। अगस्त में कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस पूरे मसले पर ध्यान दे, 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। व्यापार का नुकसान हो रहा है, करोड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि करोड़ों के ईंधन की भी बर्बादी हो रही है, क्योंकि कई ऐसे रोड हैं जो पूरी तरह से ब्लॉक हैं इन आंदोलन की वजह से। ऐसे में जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं या आम जनता है, उन्हें रूटों को डाइवर्ट करके यानी कि दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल होता है। ये तमाम टिप्पणियां आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन इसका असर किसान आंदोलन पर कितना पड़ने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि बस बहुत हुआ, आंदोलन सीमित होने चाहिए, असीमित नहीं। लेकिन जो किसान नेता हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें बोल चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत तो कह चुके हैं कि आंदोलन अगर 10 साल भी चलेगा तो हम 10 साल तक चलाएंगे। लेकिन क्यों, जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे? पहले आप ये कहते हैं कि आप संशोधन कर दीजिए, फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमें संशोधन चाहिए ही नहीं, तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। तो इसी बीच जो लड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किसान सरकार, खाई बहुत गहरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये खाई आखिर भरेगी कब, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पूरा देश टकटकी लगाकर देख रहा है कि आखिर किसान आंदोलन कब खत्म होगा। 10 महीने से ज्यादा का वक्त, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ तो झेल लिया, अब आगे क्या? क्या सिर्फ यूं ही महापंचायतें होती रहेंगी? क्या सिर्फ यूं ही आंदोलन होते रहेंगे, या फिर कोई हल भी निकलता हुआ नजर आएगा? ये भी सवाल है। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं। अब इस पर रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। टिकैत का रिएक्शन आया है कि हम तो कोर्ट के पास गए ही नहीं थे। देखिए, आप कोर्ट के पास नहीं गए थे, लेकिन आप जैसे तमाम किसान तो कोर्ट के पास गए थे ना, महापंचायत को लेकर। महापंचायत क्यों करनी है? सिर्फ ये दिखाना है सरकार के सामने कि हम इतनी बड़ी संख्या में किसान नेता हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ट्रेनों को रोक सकते हैं, हम भारत बंद कर सकते हैं, हम चक्का जाम कर सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, इसका अंदाजा क्या इन किसान नेताओं को है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं किसान विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, ये शब्द किसान विरोधी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ वही है। जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है तो कोई तो वजह होगी, कोई तो नुकसान होगा, कुछ तो परेशानियां होंगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी कर दी है और कहा है कि दम घुटता है दिल्ली वासियों का,
इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि चारों तरफ से इस आंदोलन ने दिल्ली को घेरा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, इसके अलावा तमाम आम पंचायतें होती हैं या कोई भी रैली निकाली जाती है किसानों की तरफ से, तो फिर प्रभावित क्या होता है? प्रभावित होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। देखा था आपने 26 जनवरी को क्या हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुए वहां पर, पुलिसकर्मी कई घायल हुए, कई किसान घायल हुए, लेकिन उपद्रवियों ने इसमें फायदा उठा लिया। उन्होंने लाल किले पर क्या किया, बहुत दुखता है बताते हुए भी कि कोई ऐसी जगह जहां पर हर साल 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां से एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं जो कि देश हित में होता है, उस जगह पर, उस ऐतिहासिक जगह पर ऐसे उपद्रवी पहुंच जाए और वहां पर झंडा अपना लगा ले, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों राजनीतिक बनाया जा रहा है किसान आंदोलन को, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, किसान अगर अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं तो अड़े रहिए ना। ये किसान नेता क्यों बीच में आ रहे हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम अगले आधे घंटे तलाशेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। तो किसी की संपत्ति नष्ट नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन में बहुत सारे ऐसे ही हिंसक झड़प भी हुई हैं, बहुत छोटी मोटी नोकझोंक भी हुई जिसमें संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इसीलिए सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता हैं, शिल्पी अरोड़ा किसान समर्थक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहला सवाल शिल्पी जी आपसे है, क्योंकि आप किसान समर्थक हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत आज तल्ख टिप्पणी कर रही है, कह रही है कि दिल्ली वासियों का दम घुटता है इस आंदोलन से। शिल्पी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। शिल्पी जी, सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है किसान आंदोलन से, बहुत ज्यादा नाराज। सुप्रीम कोर्ट पे मैं अभी कोई टिप्पणी हम लोग कोई भी नहीं कर सकते। ये जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं, ये लोग जाएंगे अपना जवाब दाखिल देंगे। मुझे नहीं मालूम कि किसानों के बिहाफ का कोई जिना प्रेजेंट था या नहीं था, मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, मांग है, और जो काले कानून है वो उनके लिए डेथ वारंट है, और अपनी आवाज क्योंकि नहीं सुनी जा रही है इसलिए वो लोग लगातार वहां पे बैठे हुए हैं। और आप देख सकते, आपको पता ही है कि लगभग 700 के करीब किसान जो अपनी जाने वहां गवा चुके हैं, और उनका बहुत ही जेन्युइन वजह से बैठे हुए हैं। जब कोई नहीं सुनवाई होगी तो वो तो अपनी आवाज रेज करने की कोशिश करेंगे ही। रही बात दम घुटने की, मुझे नहीं लगता अगर दम घुट रहा होता तो अब तक ये सरकार जाग चुकी होती और इन लोगों को बुलाकर बातचीत की कोई करती। अपनी जो जिद पे अड़ी हुई है सरकार कि हमने ये तीन कानून को छोड़ के और कुछ भी बात करिए, तो वो ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर दिल्ली के लोगों का या आसपास के लोगों का सच में अगर दम घुट रहा होता तो भारत सरकार किसानों के साथ बैठ के बात कर रही होती और उन लोगों के साथ में उनकी मांगों को गंभीरता से विचार कर रही होती। चलिए शिल्पी जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें कही हैं शिल्पी जी, और आप भलीभूति से परिचित होंगे, आपने सुना होगा, खबरें आपने देख ली होंगी कि क्या चल रहा है। देखिए, व्यापार का नुकसान, करोड़ों परेशान, और इसके अलावा करोड़ों का ईंधन बर्बाद, ये भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, और ईंधन तो बर्बाद हो रहा है शिल्पी जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इस किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं हूँ या विपक्ष में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है आपसे सवाल करना, सरकार से सवाल करना, इसलिए आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि करोड़ों के ईंधन का नुकसान हुआ है, जो कि हो रहा है, कई रूट डाइवर्ट है तो लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, लोग लंबे रास्ते लेते हैं। देखिए, कुछ है और कुछ ज्यादा क्रिएट किया हुआ है। मैं गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर दोनों तरफ मैं लगातार गई जाती हुई हूँ, तो इतने बड़े एरिया में किसान नहीं बैठे हुए जितने की रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। सेम शाहीन बाग जैसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ वो लोग 500-1000 मीटर के एरिया में बैठे हुए थे और 5-5, 10-10 किलोमीटर आगे से बैरिकेड लगा रखे थे। तो चाहे कोई ईंधन की बात कर रहे हैं या किसानों की जिंदगी की बात है, किसानों की जिंदगी भर की कमाई की बात है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जमीन जिस पे वो अपनी मांग की तरह उसको बढ़ते बोलते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, या
पूरे, मुझे नहीं लगता किसान, ये खाली किसानों का मुद्दा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस किसान आंदोलन में अब राजनीति ज्यादा हो रही है? कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। जब एक बहुत लंबा कोई भी खिंच जाता है आंदोलन, क्योंकि आप ये देखिए कि कब किसानों ने अपना मंच राजनीतिज्ञों के लिए खोला, उन्होंने तब खोला जब 28 जनवरी के समय में उनका वो पूरा हटाने की साजिश हुई, उनके पूरे जो आंदोलन चल रहा है उसको बदनाम करने की साजिश हुई, गलत तरीके के लोग प्लांट कर दिए गए बीच में और सारे उसमें हिस्सा बनकर कोशिश करी, तो उन्होंने कहा ठीक है पॉलिटिशियंस भी आइए, जो भी समर्थन करना चाहते हैं वो आइए। उस सिचुएशन में ही उससे पहले, क्योंकि जो भी लोग पॉलिटिक्स से संबंधित थे उनको मंच पे कभी जगह नहीं मिली, उनको कहा गया आप सामने बैठिए और अपना बैठ के चले जाइए, आपको हम मंच शेयर नहीं करेंगे। लेकिन 26 और 28 जनवरी बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस थे, जिसके बाद किसानों ने कहा कि नहीं ठीक है, पॉलिटिकल लोग भी जो हमारा समर्थन देना चाहते हैं, उनको लगा इस केंद्र की भाजपा सरकार जो गूंगी बहरी और अंधी हो चुकी है, वो उनकी मांगों पर सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उनको बदनाम करके उनको वहां से हटाने की साजिश हुई, गोलियों की साजिश हुई। 28 तारीख को मैं खुद वहां पर थी गाजीपुर बॉर्डर में, 100-150 किसान थे और लगभग 10,000 की पुलिस फोर्स थी वहां पर, जब राकेश टिकैत जी हुए थे मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहां पर थी, जिस तरीके से किसानों को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा था, उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सियासी आंसू बताए गए थे शिल्पी जी उस समय पे, जब जो आंसू बहे थे राकेश टिकैत के, सरकार तो कुछ भी कह सकती है, सरकार तो आपको पता ही है कि किस तरीके से लोग प्लांट करे, लाल किले पे जो गए थे वो लोग जो किसान थे वो किसान नहीं थे, प्लांट करे हुए लोग थे, सबका सामने ही खुला है। आज तक क्या कार्रवाई हुई है, उसने लाल किले के ऊपर साइड पे जाके झंडा फहराया, उसके ऊपर आज क्या कार्रवाई हुई है? दिखाने के लिए हुई है, आज मीडिया ने भी 2 दिन बड़ा हल्ला मचाया और उसके बाद गायब हो गए। शिल्पी जी आपके पास वापस लौटूंगी, प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता है। देखिए प्रदीप जी, आप बहुत देर से शिल्पी जी को सुन रहे होंगे, किसान समर्थक है वो, किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं वो लगातार रखती हैं वो चर्चाओं में। आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी तो कर दी है, ऐसे में जो आम किसान जो वाकई परेशान है, आम जनता जो परेशान है, उनका क्या होगा? यूं ही मतलब ये जो खाई आपने बनाई है, मैं सीधे आपको नहीं कह रही हूं, लेकिन ये जो खाई बन चुकी है सरकार और किसानों के बीच, आखिर कब भरी जाएगी? देश में अगर किसान नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरुआत लास्ट से करूंगा, सोचा था शिल्पी जी को कि अभी इन्होंने लाल किले की बात करी थी, इस चीज को बना के क्या गया, तो शिल्पी जी को यही बताना चाहिए कि इतने सारे टैक्स में किसने बुलाए थे। जब एक रूट बना के दिया गया था तो पुलिस पे हमला करके और बैरिकेडिंग तोड़ के कैसे घुसा गया था? देखिए दिल्ली पुलिस का मान सम्मान था, दिल्ली पुलिस ने किसी किसान को कुछ नहीं बोला और 400 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए जो कि आईसीयू तक में रहे, ये उनकी बातें नहीं करते हैं। जिस दरवाजे से किसान आता है उस दरवाजे से पुलिस भी आती है और फौज भी आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये बात कर रहे सड़क बने सुप्रीम कोर्ट की, देखिए सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं वाले लोग नहीं है। और जो राजनीति की बात चल रही थी ना, मैं राजनीति में क्लियर कर दूं, राकेश टिकैत जी भी 2 बार चुनाव लड़ चुके और आदरणीय यादव जी जो एक पार्टी बनाए बैठे वो भी आपके मंचासीन है। वो तो सीधे कह रहे हैं कि हम कोर्ट के पास नहीं गए थे, उन्होंने तो साफ कह दिया आज कि हम तो कोर्ट के पास गए ही नहीं है ना, हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए, जो एक किसानों का नेता बन के जो बैठे आदरणीय राकेश टिकैत जी, उनकी लैंग्वेज सुनिए कि वो 10 साल भी अगर ये चलेगा तो ये 10 साल भी चलाएंगे आंदोलन, नगद ये तो बता दीजिए फंडिंग कहाँ से हो रही है? किसान बेचारा गरीब आदमी एक टाइम के रोटी नहीं कर पाता, ये 10 साल चलाने की बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है, आपको रोकती हूँ मैं। शिल्पी जी, फंडिंग की बात हो रही है क्या, इस आंदोलन में फंडिंग भी हो रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी की बात का रिप्लाई दे दूं, ये जो भी लाल किले में वो कह रहे हैं कि घायल हुए, वो घायल करने में भी किसका हाथ था? बिलासपुर में आपको पता ही है नवरीत जो है उसकी हत्या को किस तरह दबाने की कोशिश करी गई, किस तरीके का दिल्ली पुलिस ने वीडियो चलाया, अपने दिल्ली पुलिस से तब भी मांग करी थी कि आप शिल्पी जी एक मिनट, नहीं मुझे थोड़ी आपत्ति है। शिल्पी जी देखिए, पुलिस हमारी फोर्स है, आप उस पर इल्जाम लगा रही है
और वीडियो सबने देखा, अगर वो वीडियो ना होते तो कांग्रेस ने तो कह दिया था। सुनिए सुनिए, मैं खत्म, मैं पूरा कर रहा हूँ। किसानों के जो ट्रैक्टर पलटा, शिल्पी जी ऐसे पुलिस हमारी फोर्स है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो वीडियो नहीं होती, अगर वीडियो नहीं होती, आप दोनों एक बात, अगर वो वीडियो नहीं होती तो पुलिस की बात आप कर रहे हैं, पुलिस की बात आप कर रहे हैं प्रदीप जी, तो जरा गोरखपुर में देख लीजिए कि पुलिस ने क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बिल्कुल वो जिन्होंने करा उन्हें दंड भी मिला। कब तक गिरफ्तार हो पाएंगे प्रदीप जी? प्रदीप जी, मैं उस घटना स्थल से 100 मीटर दूर थी। मैडम आप कहीं भी थे, आप लोगों ने तो, आप लोगों ने तो प्रशासन पे इल्जाम लगा दिया था, अगर वो वीडियो नहीं होती तो हवा में। अरे आप 10 सेकंड पहले की और बाद की वीडियो क्यों नहीं रिलीज कराते? वो एक जो प्रोफेशनल ड्राइवर का, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस था, 24 साल का लड़का था, एक युवा था, एक साल पहले उसकी शादी हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड करके दिल्ली पुलिस ने वीडियो रिलीज किया है। उसके परिवार को और सब किसान भाइयों को हक था ये जानने का कि 10 वो गोली लगने के बाद उसका ट्रैक्टर पलटा है या उसने। जी आप फिर झूठ बोल रहे हैं, अगर पुलिस गोली चलाती होती तो पुलिस ने, नहीं नहीं पुलिस जी, आप शिल्पी जी क्यों टीवी पे झूठ बोलते हैं? भगवान के लिए प्लीज, आप क्यों, आप जनता को पागल क्यों बनाते हैं? किसानों के नेता बन के बैठे सारे, आप क्यों पागल बनाते हैं? आप लोग 10 साल, आप लोग 10 साल चलाएंगे, आप लोग कह रहे 10 साल चलाएंगे, आपको जनता से मतलब थोड़ी ना है। प्रदीप जी आपको तब पता चलेगा जब आपको चावल 500 रुपए किलो मिलेंगे, भुट्टा 100 रुपए का एक मिलेगा। ये जो स्थिति हमने कांग्रेस के टाइम में 250 रुपए किलो दाल खरीदी है, महंगाई तो अभी कम नहीं है ना शिल्पी जी। आप मुझे बताइए, आपने काले, नहीं एक मिनट मैडम, एक मिनट, आपने काले कानून की बात करी थी, आप ये बताइए 3 काले कानून में, आप सुनिए शिल्पी जी, आपने कहा 3 काले, नहीं 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 आप ये बताइए कौन से काले कानून में लिखा है कि मंडी खत्म हो जाएगी? आप कौन से काले कानून में लिखा, मैं प्रवेश हो सकता, मुझे, मैंने ना पढ़ा हो, मुझे ना पता हो, आपको पता हो कौन से कानून में लिखा है कि, हाँ कि कौन से कानून में लिखा है कि किसान की जमीन चली जाएगी? मैं एक-एक तो वही तो चीज सब समझना चाह रहा हूँ मैं भी, मैं बता रही हूँ आप लोग सब, हाँ बताइए, मैं जवाब दे रही हूँ आपकी एक एक बात का। पहली बात ये है कि जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था जो भारत सरकार ने खत्म कर दिया, पहले भंडारण पे एक लिमिट थी कि एक जना जो है ब्लैक मार्केटिंग को बचने के लिए भंडारण की लिमिट अब अनलिमिटेड कर दी। आप लोग चाहते हैं अडानी और अंबानी के हाथ में सारा का सारा। शिल्पी जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, शिल्पी जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। देखिए इन सब चीजों पर तो बहुत बहस हो चुकी है, पिछले 11 महीनों से बहस हो रही है। आप मुझे ये बताइए दोनों की आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है, क्या इसकी कोई, मैं कहूँ कि इसको सुना जाएगा या इसको माना जाएगा, या फिर जो तल्ख टिप्पणी है इसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? आखिर क्या होगा इस किसान आंदोलन का? किसान आंदोलन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये काले कानून खत्म नहीं हो जाते या ये सरकार नहीं गिर जाती। नई सरकार आएगी तो सरकार, नई सरकार तो 2024 में ही आएगी ना, 2024 से पहले क्या सरकार गिरा देंगे? किसान बैठे हुए हैं, किसान बैठे हैं, किसानों ने तय किया है इस सरकार के खिलाफ, जैसे बंगाल में उन्होंने प्रचार किया, ऐसे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में प्रचार करा, बंगाल तो गया ही नहीं, खिलाफ में प्रचार, बंगाल तो गया ही नहीं कोई, बंगाल तो कोई गया ही नहीं, कौन गया था बताइए, कौन गया बंगाल में? बंगाल में होके आए, पूरा अकेले गए थे एक दिन के लिए, एक दिन के लिए गए थे? आपने पूछा कभी आप पश्चिम बंगाल गए थे? हाँ शिल्पी जी आपको ऐसा नहीं लगता, आप क्रेडिट ना लिया करो, आप लोग ना, आपने राकेश त्रिपाठी को समझाओ क्रेडिट ना लिया करो आपकी चीज का भी। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, जिस बच्ची का बलात्कार हुआ पश्चिम बंगाल की थी, उसके उसके माँ बाप से क्यों नहीं मिले? हम लोगों की जमीनें ये बताइए, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं आप, आप झूठ बोल रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए सुन लीजिए प्रदीप जी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को पागल बना रहे हैं, उम्र फैला रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। एक महापंचायत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी है, तो इससे ये साफ तो हो रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की महापंचायतें शायद ही हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, शायद ही हो, लेकिन महापंचायतें बुला के और कुछ नहीं हो रहा है, और गुंडागर्दी सरकार कर रही है। प्रदीप जी सुन लीजिए, हमने पंजाब में भी देखा एक काफिला जा रहा था फौजियों का, क्या हो रहा है? आप जो गुंडागर्दी चल रही है पंजाब हरियाणा के अंदर, आप बेकरी लूट लेंगे, कहते हो आप फौजियों का काफिला रोक लेंगे, गुंडागर्दी तो आपकी चल रही है, गुंडागर्दी आपके पुलिस, अगर हमारी गुंडागर्दी करती होती नहीं, आप थोड़ा वो वीडियो को तो आप झुठला नहीं सकते। मैं देखिए देखिए मैं किसी चीज को झुठलाना नहीं चाह रहा, ना है जमीन पे बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते,
और ये आवाज अच्छा कैसे बन जाएंगे। अच्छा मुझे बता दीजिए मंडी का, अच्छा कौन सी मंडी खत्म हो गई 10 महीने में, कौन सी मंडी खत्म हो गई शिल्पी जी, 10 महीने में कौन सी मंडी खत्म हो गई, एक मंडी बता दीजिए आप मुझे। मंडी खत्म हो गई आपको पता है? हाँ कौन सी मंडी खत्म हो गई 10 महीने में? शुरू करना चाहते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट, किसने कह दिया प्राइवेट मंडी? आपने ये आपको पता है? आपको पता है? मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं प्रदीप जी एक बात बताइए, शिल्पी जी एक सेकंड, शिल्पी जी एक सेकंड, प्रदीप जी एक बात बताइए, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो हमारे 3 नए कृषि कानून हैं वो पूरी तरह से किसानों के हित में हैं, तो आखिर किसान जो हैं वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और सिर्फ उत्तर भारत से ही आवाज क्यों उठ रही है इस आंदोलन की, बाकी भारत में जो किसान हैं वो क्या इससे पूरी तरह से रूबरू नहीं हो पाए हैं या उन्हें पता नहीं है कि ये नए कृषि कानून क्या है? क्या वजह हो सकती है? आप क्यों किसानों को पूरी तरह से विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि ये जो नए कृषि कानून है वो पूरी तरह से आपके हित में है, या तो फिर राजनीतिक खेल है इसमें पूरा? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक सीएम थे पंजाब के, जिन्होंने पूरे इस प्रकरण को पैर लगा रखे थे, हम अभी 10-15 दिन में और देख लेंगे इस प्रकरण का लास्ट क्या होता है। कैप्टन अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर तो हट गए और अमरिंदर तो अब अमित शाह से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसान आंदोलन को आप जल्दी खत्म करवा देंगे? देखिए किसान आंदोलन बहुत स्वस्थ था और मैं किसान आंदोलन को बिल्कुल नमन करता हूं और जोड़ के नमस्कार भी करता हूं, मगर जो राजनीति को जो राजनीतिक लोगों की गोद में जाके बैठ गए, सर रख के बैठ गए, और राजनीतिक लोग जो 40 किसानों के नेता बन के बैठे, 700 लोगों की लाशों के ऊपर बैठे राजनीति कर रहे हैं ये लोग, जो 700 गरीब किसानों ने जो जो जो, जो चले गए शहीद हो गए इस आंदोलन में, सर्दी में गर्मी में बीमारी से, इंजेक्शन इन्होंने कोविड के इंजेक्शन तक नहीं लगने दिए, मेडिकल सुविधाएं तक नहीं जाने दी, ये उसे नहीं बताएंगे हमारे हर जगह। मैं बता दूं आप, इन्होंने बोलिए इन्होंने बलात्कारी बच्ची का हुआ खुलने नहीं दिया, दाह संस्कार। हाँ बोलिए शिल्पी जी बोलिए। मैं कह रही हूँ कि हर जगह मोबाइल हॉस्पिटल है, सब सुविधाएं हैं, अगर आपको इतनी चिंता है उन 700 किसानों की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये पहला कानून मैं देख रही हूँ, किसान कह रहे हैं भैया मुझे नहीं चाहिए, आप कह रहे नहीं तेरे लिए अच्छा है, डंडा लेके उसके पीछे खड़े हो। शिल्पी जी पता किन किन को नहीं चाहिए? शिल्पी जी बताओ, हाँ 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 बता रहा बता रहा शिल्पी जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। वकीलों के लिए, डॉक्टर्स के लिए कोई कानून बनाते हैं, अब उनकी राय तो लेते हैं, कोई एक किसान बता दीजिए जो कह रहा हो ठीक कानून है। हमारे यहाँ से ही उत्तराखंड से हमारे शिक्षा मंत्री किराए के लोगों को, ठेकेदारों को गाड़ियों में भर के ले गए और वहां जाकर कहा जी धन्यवाद। शिल्पी जी देखिए अभी मैंने प्रदीप जी से भी पूछा और आपसे भी पूछ रही हूँ, शिल्पी जी आप बताइए कि ये जो किसान है क्या सिर्फ उत्तर भारत में ही है, सिर्फ पंजाब में ही है, सिर्फ हरियाणा में ही है, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है? अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो पश्चिम से कोई किसान क्यों नहीं आ रहा है और दूसरे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा है? क्या उनको परेशानी नहीं है या वो किसान नहीं है या उनकी खेती बहुत ज्यादा है? नहीं आप कुछ दिन वहां बिताकर देखिए, हर पूरे प्रदेश से, असम से लेकर नागालैंड से लेकर उत्तर ईस्ट ईस्ट से कलकत्ता से और साउथ से सब जगह से वहां पे किसान आते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स इशू होता है वो लोग, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर आंदोलन हो रहा है, सिंघू बॉर्डर हो जाए चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो जाए, तो उसी एरिया के लोग आकर परमानेंटली बैठे हैं। लेकिन ये तो सच है कि नेतागिरी तो खूब हो रही है इस आंदोलन में, ये तो सच है कि नेतागिरी खूब हो रही है। देखिए जहां भी आंदोलन होगा वहां कुछ ना कुछ तो वहां के जो नेता, तो आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है? नहीं नेता किसान नेता ही है ना, देखिए किसान नेता है तो वो अपने फायदे के लिए क्यों सोच रहे हैं, उन छोटे किसानों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जो आज भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं? कौन सा किसान अपने बारी बारी से बसों में आ रहे हैं, हर परिवार से एक एक जना जाता है और वहां पर बैठता है, धरना देता है, फिर एक हफ्ते बाद उसके परिवार का दूसरा जना आ जाता है, रोटेशन में ये लोग चलते हैं, कौन सा किसान नेता अपना निजी फायदा कर रहा है इसमें? वही लोग चावल घर से ला रहे हैं, वही लोग दालें घर से ला रहे हैं और वहां पे लंगर सेवा चल रही है और पूरा पुलिस फोर्स हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये लोग लगातार उनको जो है फीड करने का काम कर रहे हैं, वहाँ आसपास जो पुलिस फोर्स है, आसपास के जितने भी लोग हैं वो वहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, लंगर सेवा चल रही है। तो इसको राजनीति का नाम देना, बिल्कुल किसान नेता है, बिल्कुल किसान नेता है वहां पर है, लेकिन उसका कोई राजनीतिकरण हो रहा है ये बात बिल्कुल गलत है और मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राजनीतिज्ञों को मंच तब देना शुरू हुआ था जब 28 जनवरी को भाजपा सरकार ने किसानों को हैरेस करना शुरू किया था, उनके ऊपर झूठे इल्जाम और उनके ऊपर
झूठे केस बनाने, आपके मीडिया के लोग थे, राजदीप सरदेसाई जी नवरीत के पास थे, आपका ये जो कारवां.com है, परेश नाथ जी जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जिसने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है। कारवां वालों ने पिक्चर्स दी, उन्होंने वीडियो मांगा, उन्होंने डीवीआर निकालने की कोशिश करी और वहां पुलिस के लोग अपनी जैकेट में उसकी डीवीआर की कॉपी ले गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठी बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं और लोगों को भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है सरकार के पास। सरकार कहती है कि किसान नेता जो हैं वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन एक सर्वे, शिल्पी जी देखिए, मैं आपको फैक्ट के साथ बताती हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर आप जाएंगी ना तो किसान आंदोलन के जितने समर्थक हैं उतने ही ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस आंदोलन से परेशानियां लोगों को हो रही हैं। क्या करें, रास्ता क्या है आप बताइए? अगर रास्ता तो सरकार को ढूंढना है ना, सरकार से इसलिए मेरा सवाल है कि रास्ता सरकार क्यों नहीं निकाल रही। सरकार तो कह रही है आप अपना खाना बना रहे हो, वहां बैठे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, गर्मी सर्दी बरसात में बैठे हो, उनको अगर परवाह होती तो बात करी जाती, क्यों थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर? क्वेश्चन ये है कि जो कानून किसान नहीं चाहते अब उनको जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं? वो कह रहे हैं हमें अपनी भलाई नहीं चाहिए, आप कह रहे हो नहीं जबरदस्ती हम आपकी भलाई करेंगे। ये पूरी साजिश है अदानी अंबानी के हाथ में, पुरानी सारे किसानों की जमीन सौंपने की, उनकी उपज सौंपने की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड करने के नाम पर, इसका जो पूरा ये डीएम ही तय करेगा, एसडीएम तय करेगा। अब आपने क्या सोचा है? देखिए क्योंकि इन सब बातों पर तो बहुत चर्चा हो रही है, 11 महीने हो गए हैं इन्हीं सी चीजों पर चर्चा लगातार हो रही है। अब आपने क्या सोचा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस आंदोलन को लेकर कि ये दम घोटू हो रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, व्यापार का नुकसान हो रहा है, करोड़ों लोग परेशान हैं और इसके साथ साथ तमाम और चीजें हैं जो परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। अब आपने क्या सोचा है कि आंदोलन पर क्या करेंगे, आगे आंदोलन कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ रास्ता निकल सकता है, सरकार के साथ जाएंगे बात करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये मांगे तीन काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, ये मिशन पूरा कंटिन्यू रहेगा। और रही बात कोर्ट की, लीगल ओपिनियन लिया जाएगा क्योंकि अभी तक किसानों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है। अगर ठीक लगेगा, जो भी किसान बड़े नेता तय करते हैं, अगर उन्हें लगेगा कि हम वहां जाकर इस केस में पार्टी बने, बिकॉज इट्स अ वन साइडेड ऑर्डर, दूसरी तरफ का दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया, जो जो सरकार ने कहा उसके ऊपर टिप्पणी करी गई, अगर उनको ठीक लगेगा तो वो कोर्ट में जाकर पार्टी बनेंगे और उस पर जवाब देंगे। लेकिन किसानों का अस्तित्व की लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कोई भी किसान इससे पीछे हटेगा और वहां से धरने से उठेगा। चलिए ठीक है, शिल्पी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान के आंदोलन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई है वो पूरी तरह से तल्ख टिप्पणी है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये आंदोलन जो है अब दमघोटू हो रहा है, आम जनता को परेशानी हो रही है, दिल्ली को पूरी तरह से परेशानी हो रही है। लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर, इस किसान आंदोलन को लेकर किसान क्या कदम उठाते हैं, सरकार और किसानों के बीच के एक बार फिर से वार्ता होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वार्ता होती है तो क्या हल निकल पाता है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। फिलहाल फिर इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।